बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फिल्मोरा को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, फिल्मोरा बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, उसकी साउंड को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट जो है वो ऑप्शन हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखें हम इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखें फिल्मोरा को डाउनलोड कर लिया है। कहाँ से डाउनलोड किया है? गेट इन टू पी सी, ये सामने आपके सामने सेलेक्टेड है getintopc.com, वहाँ की वेबसाइट से किया है फिल्मोरा 7। अभी जो मेरा पीसी है वो 32 बिट है। आप 32 बिट या 64 बिट दोनों को सेम तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इसको वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चले इसको रजिस्टर्ड भी हम लोग करेंगे, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसने पासवर्ड मांगा। याद रखें कि गेट इनटू पीसी का पासवर्ड हमेशा 123 होता है, 123। उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये सामने येलो कलर का एक और फोल्डर आया है, ये नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड। पासवर्ड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 123 होता है। येलो फोल्डर पे हम डबल क्लिक करेंगे, फिर इस पे येलो फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे। एक तो ये कीजन आ गया, इसको हम संभाल के रखेंगे, फॉर द टाइम बिंग हम अपने पास फिल्मोरा को एग्जीक्यूट करेंगे। इस पर डबल क्लिक किया, ये फिल्मोरा की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। बीच में ऐसा भी होगा किसी जगह पे मैं देखूंगा इंस्टॉलेशन अगर टाइम ले रही है तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा। ठीक है, तो उस पर साउंड उस वक्त थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। आपने यस करना है ताकि ये ऑथोराइज हो जाए। यस करने के बाद उसने कहा इंग्लिश चूज़ करें, लैंग्वेज ओके किया। ठीक है, एग्रीमेंट आया कि भाई आप एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मैंने कहा आई हैव रेड द एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट का बटन दबाया, उसने लोकेशन बताई कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में वंडर शेयर के में फोल्डर में फिल्मोरा को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको आपने जहन नशीन रखना है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में। ओके, और इस कंपनी का नाम है वंडर शेयर जिसकी ये प्रोडक्ट है फिल्मोरा। नेक्स्ट का बटन दबाया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जितनी देर में इंस्टॉलेशन हो रही है, साथ साथ एक दो चीज़ें और देखें कि इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो क्या है? कीजन है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपने जहन नशीन रखने हैं। नंबर वन, आपका इंटरनेट का कनेक्शन बंद होना चाहिए इंस्टॉलेशन के दौरान में। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया था सॉफ्टवेयर, उसके बाद आप लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन फ़ौरन बंद कर देना है, क्योंकि हम लोग जब रजिस्टर्ड करेंगे तो रजिस्टर्ड करने के दौरान अगर नेट ऑन होगा तो वो कहेगा कि ये फेक की से ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसलिए आपने उसको बंद रखना है। अब दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पे ये फिल्मोरा जो है ये इस वक्त ओपन, ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, और ये ऊपर जो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वंडर शेयर। अब वंडर शेयर जो है बेसिकली ये इनकी मेन कंपनी है जिनकी ये प्रोडक्ट है। ये बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस फोल्डर के अंदर फिल्मोरा आपका पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि एक दफ़ा हमने कीजन को ओपन कर लिया तो इसको हमने जब तक कंप्लीट इंस्टॉलेशन, हर चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, इसको हमने बंद नहीं करना, क्योंकि कीजन से हम लोग सीरियल नंबर लेंगे और वो सीरियल नंबर हम देंगे फिल्मोरा को और वो हमेशा फॉरएवर इसमें इंस्टॉल रहेगा। ये देखें यहाँ पे फिनिशिंग इंस्टॉलेशन लिखा हुआ आ गया, तो ये यहाँ से फिनिश हो चुका है। एक दफ़ा फिर कहूँगा, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अपडेट वीडियो जो है वो आपको साथ साथ मिलते रहें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये तो देखें इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से साथ ही इसको कीजन को भी ऑन करूँगा। इसने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है कि इसको मैं लॉन्च करूँ कि ना करूँ। ये देखें, ये इंटरनेट पर गया है वेरीफाई के लिए, लेकिन इंटरनेट डिस्कनेक्ट है तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। अब वो कह रहे हैं इसको लॉन्च करें। जब इसको मैंने लॉन्च का बटन मैंने दबाया तो अब ये आगे जाके इसको इधर से ये लॉन्च हो रहा है, और दूसरी तरफ से मैं साथ इसको कीजन की जिप फाइल को डबल क्लिक करके इसको भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब दो फाइलें हैं। जैसे ही इसको मैंने कहा, अच्छा ये इसको तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ये कह रहा है परचेज करें, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये लिखा हुआ है एग्जी फाइल। ठीक है, मैंने इसकी एग्जी फाइल पे डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सामने एग्जीक्यूट के लिए आ गई है। अच्छा, आप ये देखें यहाँ पे सामने जो लिखा हुआ आया है डी पोर्ट, इसमें मैं जनरेट की की दबाऊंगा। ये मैंने जनरेट की की दबा दी है और इस पर राइट क्लिक कर लिया और इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, दूसरी तरफ देखें मेरा फिल्मोरा स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसका फुल फीचर जो है वो इसको ऑन कर दिया। ठीक हो गया, तो अब ये देखिए रजिस्टर नेम और पासवर्ड हम लोग कहाँ से लेंगे। ठीक हो गया, अब इसको गौर से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट होने के बाद जो है मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला है।
अच्छा अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस में कोई भी डाल सकता हूँ। दूसरी तरफ ये देखें, ये जो शो डाल रहा है इसको मैं फिलहाल इसको मैं यहाँ से इसमें क्लोज कहाँ पे ऑप्शन है, Alt F4 दबा के मैंने इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आमिर एट अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये सामने लिखा हुआ आ गया स्क्रीन के ऊपर कि वंडर फिल्मोरा हैज़ बिन रजिस्टर्ड, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना नाम डाला था अभी, बाकी ईमेल एड्रेस नहीं प्रेस किया। और आखिर में ये साइट पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, मैंने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया। और रजिस्टर के बटन को क्लिक करने के बाद जो है ये सामने मैसेज आ गया कि फिल्मोरा हैज़ बिन रजिस्टर्ड। अब इसको वेरीफाई करना है, तो इसको हमने वेरीफाई कैसे करना है कि किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या वाकई ही ये रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं हुआ, तो इसके लिए आप कोई भी वीडियो किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाएं, ठीक है। और बनाने के बाद जो है इस फिल्मोरा के अंदर आप जाके इसको ऑन कर दें, इसके अंदर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके अंदर उसको सेव करें। जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका यूज़, फिल्मोरा का यूज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो बस वहाँ पे आप सेव करेंगे और सेव करने के फ़ौरन बाद जो है उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर तो बहुत बड़ा बड़ा फिल्मोरा लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब है रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कि फिल्मोरा हैज़ बिन रजिस्टर्ड, तो ये फिल्मोरा रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। फिर कहूँगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोज़ हैं हमारी, जैसे आगे मजीद आपको फिल्मोरा का यूज़ सिखाना है या सब कुछ सिखाना है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।